अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जो पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो ही बनेंगी। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का कमेंट आता है, मेरे करियर अड्डा चैनल पे आया कि सर ये बताइए कि मैं पॉलिटेक्निक करके बड़ी बुरी तरह फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ सर। देखो मैं एक चीज़ क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ कि जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो या फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, या आपका डिसीजन नहीं था, आप फंस गए हो, मेरे से नहीं हो पा रहा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट का भी मैसेज आया कि सर मेरा मन कर रहा मैं सुसाइड कर लूँ, प्लीज़ ये सब बातें माइंडसेट में मत लाइए, ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट है और आपको डिमोटिवेट करेगी। अगर आपका मन नहीं करा छोड़ दो, कोई बात नहीं, पॉलिटेक्निक ही सब कुछ नहीं है लाइफ में कि अगर आप डिप्लोमा नहीं करोगे, पॉलिटेक्निक नहीं करोगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। तो चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें लाइफ में चल रही, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक चीज़ों को जानोगे नहीं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। देखो पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है ना, उसमें आपको आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सोचो आपका इंटरेस्ट कहीं और है, आपका इंटरेस्ट उसमें मन नहीं लग रहा है पॉलिटेक्निक में, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, और वो फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाता है। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहूं कि देखो आप पॉलिटेक्निक प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, इस पर कोई ज़्यादा मैटर मैं नहीं बताऊंगा कि अभी के लिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना के चर्चा करूंगा। आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, बहुत सारे लोग माइंडसेट में होता है कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, 10,000 महीने की जॉब हो लग जाए। देखो परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती है ना कि इंसान को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, और वो वही परिस्थितियां होती हैं जिसमें इंसान सही से संभल जाए ना तो बहुत दूर तक जाता है। देखो हर इंसान की लाइफ में प्लस माइनस है, तो वो प्लस माइनस आपको झेलना पड़ेगा। जब तक आप झेलोगे नहीं, तब तक लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, चीज़ें जानोगे कैसे, किस तरह से यूटिलाइज करोगे उन चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक में अगर आपने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर हो गया या इवन तो अगर सेकेंड ईयर भी हो गया, और आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा आगे, नहीं कंटिन्यू कर पाओगे, आपके बस की नहीं है पॉलिटेक्निक करना, तो प्लीज़ छोड़ दो पॉलिटेक्निक। डिमोटिवेट मत हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। और देखो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट, अगर आपको लगता है 2% भी इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट और जगाओ। अगर आपने इतना टाइम दे दिया तो और इंटरेस्ट जगाओ। अगर आपके इंटरेस्ट अंदर कुछ इंटरेस्ट तो था, तभी ना फर्स्ट ईयर क्रैक किए हो, तब जाकर के आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना आगे आपको जाना चाहिए। जिंदगी में हर चीज से कंप्रोमाइज करोगे, कभी कभी डिसीजन हमें ऐसे लेने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिससे उस डिसीजन पे जाने के लिए आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत ही डेडिकेशन आपको चाहिए। वो हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो मैं बस पॉलिटेक्निक वालों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों का पॉलिटेक्निक करने में मन नहीं लगता है, जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी पॉलिटेक्निक करने मत आओ, क्योंकि पॉलिटेक्निक करके कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो, अपने आप को एक अलग जोन में लेके जा रहे हो, और उस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑब्वियसली पॉलिटेक्निक करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाले बंदे ज़्यादा हैं पॉलिटेक्निक में, तो मेरे हिसाब से बेटर है। और पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे देखो बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, बहुत सारी मोटिवेटेड वीडियो जो फैक्ट है आप लोगों के लिए वो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, जहां भी शेयर कर सकते हो चैनल को वीडियो शेयर करो, लोगों से सब्सक्राइब करवाओ। और मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि हमारी फैमिली जो है पॉलिटेक्निक अड्डा की एक बड़े लेवल पर जाने वाली है। बहुत ही जल्दी हमने एक माइलस्टोन 100+ मेंबर हम लोग हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। तो बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।